दलों के दलदल से निकलकर हर शख्स के दिल तक पहुंचता है। हम हैं द पंचायरा न्यूज, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। लखनऊ से दिल्ली जाते समय साक्षी महाराज ने सौर्य कट पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट की बात न मानने पर कहा कि देश का दुर्भाग्य है, कानून को अब अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी गठित कर दी है तो अब आंदोलन का अर्थ ही नहीं रह जाता, तत्काल आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से बात कर अपनी बात रखनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। आप नेता यूपी में स्कूल और अस्पताल देख रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र में कितना ये सही है कितना गलत है? अभद्र भाषा का सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं लगता है कहीं न कहीं वो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने का काम करता। भाजपा की मुस्लिम प्रेम पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के रास्ते चलने वाली पार्टी है, जिसके चलते भाजपा मुसलमानों का भी विश्वास जीतने में व उनका विकास करने में लगी हुई है। अब मुसलमान इस बात को समझने लगा है कि पिछले 65 साल से हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टिकरण के नाम पर डराया गया है, इस कारण अब मुस्लिम समाज भी भाजपा से जुड़ने लगा है। भाजपा का टारगेट सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है, इसलिए हमारे भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक महामंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम मुसलमानों का भी विश्वास जीतने में लगे, उनका विकास करने में लगे हुए हैं और मुझे लगता है मुसलमान इस बात को हृदय की गहराई से समझने लगा है। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टिकरण के आधार पर केवल डराया गया, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? साक्षी महाराज का आमतौर पर विवादों से नाता रहा है और सौर्य कट पर रुककर उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि ओवैसी हमारा साथ यूपी में भी देंगे और बंगाल में भी देंगे, हम उनको धन्यवाद देते हैं। कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की बातों का समर्थन कर दिया है। द पंचौरा न्यूज के लिए सौर्य कन्नौज से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।